हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 15th of December 2022। देखते हैं क्या है आज के हाइलाइट्स। जॉस बटलर को क्या अवार्ड मिला है, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, नेशनल गेम्स 2023 का कहाँ होने वाला है, 22 का अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है अहमदाबाद में, और हम साथ में जानेंगे G20 से रिलेटेड कौन सा मेजर बात है। वैसे तो आप वर्ल्ड कप फुटबॉल में काफी इन्वॉल्व होंगे, कल का मैच भी आपने देखा होगा और देखते रहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, एक मेजर एरिया हो गया है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। हम शुरू करते हैं अपना पहला वेन्यू ऑफ द 2024 मेंस T20 वर्ल्ड कप वेन्यू, और ये कहां पर होने वाला है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप ये होने वाला है सी ऑप्शन, दैट इज USA एंड वेस्ट इंडीज। और टेक अवेज में हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस 14 होस्ट कंट्रीज of the ICC men's white ball events from 2024 to 31, India is set to. So India mein kaun kaun se matches hone wale hain aane wale samay mein? Pehla hoga, India is going to co-host the ICC men's T20 World Cup with Sri Lanka in 2026. Champions Trophy bhi Bharat mein hoga 2029 mein, aur 2031 mein hoga 50 over World Cup with Bangladesh. Yani Bangladesh ke saath ye co-host karega. और भी थोड़े से टेक अवेज है इंपॉर्टेंट। 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप USA वेस्ट इंडीज 26 में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका को होस्ट करेंगे, 28 में होगा, एवरी टू इयर्स होता है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है 2022 का। नाउ 28 में होगा ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और 2030 में ये शेड्यूल्ड है होना इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, 37th नेशनल गेम्स कहां पर होने वाला है, जो कि अक्टूबर 2023 में होगा। अभी जो 2022 का कंप्लीट हुआ अहमदाबाद में, ये भी याद रखिएगा, और आने वाला जो नेक्स्ट होगा 2023 का, वो होने वाला है गोवा में। जी हां, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज कंफर्म्ड दैट गोवा विल होस्ट 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। नेशनल गेम्स 2022 कंक्लूडेड इन अहमदाबाद, गोवा का कैपिटल याद रखिए पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। नाउ क्रिकेट की दुनिया से एक न्यूज है यहाँ पे, हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, जॉस बटलर, जो इंग्लैंड के हैं। नाउ इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जॉस बटलर वाज नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग हिज स्टुपेंडस शो इन नवंबर। Next point, who has been named as the ICC Men's Player of the Month for November 2022? So, women's section में किसे मिला है? और ये मिला है C option, that is Sidra Amin को मिला है। ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं आजकल। So, Pakistan Sidra Amin became the second successive winner of the Women's Player of the Month award from the country. देखिए, इनको अक्टूबर का भी मिला है और उसके बाद फिर नवंबर का भी इन्हीं को मिला है। तो क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनका, आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ थैंक्स टू योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द ओडीआई सीरीज विन ओवर आयरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट, एंड राइट आंसर इज डी ऑप्शन, यूनाइटेड अरब एमिरेट। सो UAE सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट, स्पेसएक्स Falcon 9 rocket yesterday carried into space the first ever Arab built lunar spacecraft. It was launched from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. और UAE का कल के भी न्यूज में मेरे था कि यहाँ का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, नंबर वन पे उसका पावर जो है वो नंबर वन पे है, और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 87th रैंक स्टैंड करता है वर्ल्ड में। नाउ अनदर पॉइंट, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022? राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज जापान। अ जापानी स्पेस स्टार्टअप लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून आफ्टर सेवरल डिलेज, अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड व्हाट वुड बी अ फर्स्ट फॉर द नेशन and for a private company. Bhupendra Patel has been appointed as the chief minister of which of the following state of India?
एंड द राइट आंसर इज गुजरात। और ये कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट इसके पहले भी यही चीफ मिनिस्टर थे इस इलेक्शन के पहले। इस इलेक्शन में तो काफी जबरदस्त विन हुआ है बीजेपी का, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और यहाँ पे के भूपेंद्र पटेल टू कोट एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द सेकेंड टाइम। बीजेपी स्वेप्ट द गुजरात असेंबली इलेक्शन विद अ व्हूपिंग 156 आउट ऑफ 182 असेंबली सीट्स, विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एनी पार्टी हैज वन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन 1960 में गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग होकर एक अलग स्टेट बना था। और भी अब बहुत चीजें जान लीजिए गुजरात के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो गुजरात कैपिटल गांधीनगर, ये एकमात्र कैपिटल है जो किसी इंसान के नाम पर है। इंडिया के सारे स्टेट के कैपिटल किसी इंसान के नाम पे नहीं है, दिस इज द ओनली वन, राइट। चीफ मिनिस्टर यहाँ भूपेंद्र पटेल है। जनरल फैक्ट्स याद रखिए, देश में सबसे ज्यादा नमक कॉटन यहीं पर यहीं से होता है, ग्राउंडनट से मूंगफली टोबैको में सेकेंड है ये, मिल्क प्रोडक्शन यहाँ जबरदस्त होता है। वलसाड़ एक जगह है जो बहुत ही फेमस है हॉर्टिकल्चर के लिए, यानी छोटे छोटे प्लांट्स ये उगाते हैं और पूरे देश में और शायद बाहर भी है एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनरी एट जामनगर। गुजरात कई चीजों में बहुत मायने रखता है, सबसे लंबा कोस्टल एरिया इसी स्टेट का है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स इस स्टेट में है, ऑलमोस्ट 100% मेटल रोड्स है। तो इस तरह की इसे जो ट्रेड है, जो जो मार्केट एक्सेस है वो बहुत इजी हो जाता है। और देखिए यहाँ पे देश का 5% पॉपुलेशन है बट 1/4 एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। 98.6% ऑफ ऑल वेदर रोड्स, 50% ऑफ इंडियाज बिलियनर्स। कितनी सारी चीजें यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू यही है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये मोटेरा स्टेडियम जिसे आप मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, एक विशाल स्टेडियम है यहाँ पे। और सब कुछ याद रखते हैं तो ये भी जरूर याद रखिएगा, यहाँ का जो फेमस फोक डांस है दैट इज डांडिया, डांडिया रास। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली। ही नेम्ड दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में आया मोपा में, और उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? राइट आंसर इसका मनोहर पर्रिकर। क्या जबरदस्त इंसान थे, कभी चीफ मिनिस्टर थे, कुछ समय के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और ये सिंपल स्कूटर लेकर के भी निकल जाते थे। बहुत पॉपुलर इंसान, बहुत पढ़े लिखे और बेहद कामयाब इंसान रहे ये। टेकअवेज देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेम्ड द एयरपोर्ट आफ्टर लेट गोवा चीफ मिनिस्टर एंड फॉर्मर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर। G20 की कमान संभाल ली है भारत ने 2023 का, 22 से 23 दिसंबर से लेकर अगले दिसंबर तक का। और यहाँ अभी होने वाला है पहला G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग, विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 13th to 15th ऑफ दिसंबर, यानी आज तक ये हो रहा है 2022 का। तो कहाँ पर ये हो रहा है? राइट आंसर ए ऑप्शन, दैट इज बेंगलुरु। According to the Union Ministry of Finance, first G20 Finance and Central Bank Deputies meeting is scheduled to be held in Bangalore on 13th to 15th of December. तो ये थे आज के सारे important news जो हम आपके लिए लेकर आए। Player of the month किसे select किया गया? Josh Butler को। Next T20 World Cup कहाँ पर होने वाला है? National Games कहाँ पर होने वाला है? ये सारे news hopefully आपको बहुत help करेंगे। Thank you so much for watching.